बॉलीवुड में फिल्म मोहब्बतें अब तक के सबसे दिलचस्प म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा में से एक रही है। साल 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन आदित्य चोपड़ा ने किया था। ये फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिम्मी शेरगिल, प्रीति झंगियानी के साथ एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। फिल्म मोहब्बतें उस साल दुनिया भर में साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। फिल्म को रिलीज हुए 20 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म मोहब्बतें की कास्ट अब कैसी लगती है? तो आइए एक नजर डालते हैं कि ये सितारे 20 साल बाद अब कैसे दिखते हैं। जुगल हंसराज। एक्टर से निर्देशक बने जुगल हंसराज ने फिल्म के भीतर समीर शर्मा का रोल निभाया था। वह गुरुकुल के कई कॉलेज छात्रों में से एक थे और यह फिल्म उनकी सफल फिल्मों में से एक थी। उस समय जुगल 28 साल के थे जब वह फिल्म के भीतर दिखाई दिए। फिल्म में उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद भी किया। जुगल ने न्यूयॉर्क के एक NRI फंडिंग बैंकर जैस्मिन ढिल्लो से शादी की और अब वह अमेरिका में जाकर बस गए हैं। जुगल की तस्वीरें देख उन्हें पहचानना भी मुश्किल सा हो जाता है। प्रीति झंगियानी। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति झंगियानी को फिल्म मोहब्बतें में अपने काम के लिए जाना जाता है। फिल्म में प्रीति ने किरण खन्ना का रोल निभाया था। उस समय प्रीति महज 20 साल की थी जब वह फिल्म में नजर आई थी। अब प्रीति मुंबई में रहती हैं और उन्होंने साल 2008 में अभिनेता परवीन डबास से शादी की। वह जयवीर और देव नाम के दो बच्चों की माँ भी बन चुकी है। प्रीति अब 40 साल की हो चुकी है और समय के साथ उनका वजन भी थोड़ा बढ़ गया है। उदय चोपड़ा। उदय चोपड़ा बॉलीवुड निर्माता और दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा के बेटे हैं। उदय चोपड़ा बॉलीवुड में उतने सक्सेसफुल तो नहीं हुए, लेकिन फिल्म मोहब्बतें के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष जैवी पुरस्कार मिला था। फिल्म में उन्होंने विक्रम का किरदार निभाया था। उदय ने इन 20 वर्षों में अपने लुक में भारी बदलाव किया है। उदय का अब काफी वजन बढ़ गया है। उदय 48 साल के हो चुके हैं। जिम्मी शेरगिल। जिम्मी का पूरा नाम जसजीत सिंह गिल है। जिम्मी एक अभिनेता और फिल्म निर्माता है जो हिंदी और पंजाबी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने फिल्म के भीतर करण चौधरी का किरदार निभाया था और फिल्म के भीतर उनके दिलकश और तेज किरदार ने सभी को इम्प्रेस किया था। जिम्मी शेरगिल 50 साल के हो चुके हैं, लेकिन एक शानदार वाइन की ही तरह उम्रदराज हैं। किम शर्मा। फिल्म मोहब्बतें के साथ बॉलीवुड ट्रेड के भीतर अपना डेब्यू करने वाली एक और बॉलीवुड अभिनेत्री किम शर्मा है। उन्होंने फिल्म के भीतर संजना का रोल प्ले किया था। मोहब्बतें की ब्लॉकबस्टर सफलता ने किम शर्मा को भी रातों रात पॉपुलैरिटी दी थी। अब किम शर्मा 41 साल की हो गई हैं और वो फिल्मों से पूरी तरह से गायब हैं। किम अब गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। शमिता शेट्टी। बॉलीवुड एक्ट्रेस और डिजाइनर शमिता शेट्टी की फिल्म मोहब्बतें डेब्यू मूवी थी और उन्होंने इशिका धनराजगीर के किरदार को निभाया था। इस फिल्म के लिए उन्हें आईफा का पुरस्कार भी मिला था। शमिता 41 साल की हो चुकी है। शमिता शेट्टी ने वजह, फरीब, बेवफा और अग्निपंख जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन ये सभी फिल्में फ्लॉप रही, जिसके बाद शमिता ने 2011 में बॉलीवुड से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी और बतौर इंटीरियर डिजाइनर काम शुरू कर दिया। पिछले कई सालों से शमिता को काम नहीं मिल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।